वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। क्या हो दोस्तों, आप खाते खाते खिलाते खिलाते लखपति बन जाएं? जी हाँ, आज मैं एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपको हज़ारों से लाखों कमाने में मदद कर सकता है। बात करने वाले हैं आज हम बिरयानी बिजनेस आइडिया की। जिस तरह से दोस्तों स्टारबर्ग, KFC, मैकडोनल्ड, डोमिनोज जैसी बड़ी फूड ब्रांड ने अपनी हुकूमत कायम की और उसको बनाने वालों को करोड़ों अरबोंपति बना दिया, ठीक इसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है तो वो है बिरयानी। हर जगह, हर राज्य के अंदर आपको दिखेगा बिरयानी का टेस्ट, बिरयानी का ठेला, बिरयानी की दुकानें, और हर जगह बिरयानी खाना लोगों को पसंद है। तो क्यों ना ऐसा बिजनेस चालू किया जाए कि आप बिरयानी खिलाते खिलाते खाते खाते बहुत सारा पैसा कमा पाएँ और अमीर बन जाएँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत तेज़ी के साथ बिरयानी को एक अच्छा ब्रांड बना सकते हैं और अपनी दुकान को बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले खुद को आपको बिरयानी बनाने आना चाहिए। अगर आपको बिरयानी अच्छे से बनाने नहीं आती तो कोई दुकान पर, कोई जगह जाकर उसे सीख लीजिए किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते हैं, किस तरह से बिरयानी को टेस्टफुल बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको 15 से 20 दिन मैक्सिमम लगेंगे, आपको बिरयानी बनाने अच्छे तरीके से आ जाएगी। चूज़ योर नेम। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम सबसे पहले रखा जाता है, ठीक इसी तरह से जब आपका बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसका नाम रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नाम रखिए दोस्तों जो कि तुरंत ही लोगों की नज़रों में आ जाए, लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे बिरयानी वाला, आई कैचिंग नाम, लोगों को देखना बहुत पसंद है और वो उनको याद करने में आसानी होती है। जिस नाम बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने धंधे के अंदर सबसे पहले आप अपने फूड ब्रांड बनिए। खुद बिरयानी का अगर आप ठेला लगाना चाहते हैं या दुकान डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसका नाम रखिए। नाम यूनिक होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को याद रहे, इस तरह से होना चाहिए। दोस्तों कोई भी काम करने से पहले हम उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करते हैं। अगर आपको बिरयानी का ठेला लगाना है या दुकान करनी है तो चारों तरफ आप अपने घूमिए, कहाँ पर बिरयानी बिकती है, कैसी बिरयानी बिकती है, बिरयानी के साथ वो क्या क्या देते हैं, कैसा टेस्ट है, किस तरह से वो बनाते हैं, कहाँ पर बेचते हैं, कितने में बेचते हैं। क्योंकि जब ये तमाम मालूमात आपको होगी तो आप उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे और ये सोच पाओगे कि आपको उनसे बेहतर किस तरह से बिरयानी बना सकते हैं, उनसे अच्छी कौन कौन सी चीज़ें आप दे सकते हैं जिससे कि लोग आपके पास अट्रैक्ट हों, लोग आपसे वो बिरयानी लें जो उनके पास से अब तक लेते थे। इसके बाद आती है दोस्तों बात सोचने की कि आपको लाड़ी डालना है या दुकान डालना है। आपके पास बजट कम है तो आप लाड़ी यानी कार्ड से शुरुआत कर सकते हैं, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो शॉप से शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ से शुरू करने से पहले एक बात याद रख लीजिए कि अगर आप कार्ड डाल रहे हैं या फिर शॉप डाल रहे हैं तो ऐसी जगह आपको स्टार्ट करना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जैसे कि कॉलेज, जैसे कि कोई बिजनेस हब हो, जैसे कि गार्डन वगैरह, कोई घूमने की जगह, मार्केट एरिया, ऐसी जगह आपको जाकर अपनी शुरुआत करनी है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके पास होंगे उतने ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा, उतने ही तेज़ी के साथ आप भी पैसा कमा पाओगे। इसके बाद आती है दोस्तों बात कि बिरयानी खाने का बिजनेस है और खाने की चीज़ें जितनी ज़्यादा क्लीन और हाइजीन होती है उतने ही ज़्यादा लोग आपका खाना खाना पसंद करते हैं। कई बार हम जाते हैं ऐसी जगह, देखते हैं कि वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम सही नहीं है या जो दे रहा है वो सही तरीके से नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमको अच्छा नहीं लगता और हम वहाँ से चले जाते हैं। आजकल लोग ये बहुत देख रहे हैं, इसलिए आपको क्लीन और हाइजीन का ख्याल रखते हुए बहुत ही अच्छे एट्रैक्टिव पैकेज के अंदर आपको बिरयानी देनी है। याद रखिए, कई लोग पन्नी के अंदर बिरयानी दे देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। क्लीन, एट्रैक्टिव और लोगों को अच्छा लगे इस तरीके से पैकेजिंग करके देना है। याद रखें कि आपको ये तमाम काम में पैसा कम लगेगा, लेकिन इससे आपकी फूड ब्रांड अच्छी बनेगी, आपकी वैल्यू अच्छी बनेगी, लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे। जो लोग हाइजीन को लेकर ना खाना खाते हैं वो लोग तो डेफिनेटली आपको ही प्रिपेयर करेंगे और वो लोग दूसरों को भी लेकर आपके पास ही आएंगे। इसके बाद आती है दोस्तों बात मार्केटिंग की। कोई भी चीज़ मार्केटिंग के बिना चलती है क्या? नहीं चलती। मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ड्रीम इलेवन देख लीजिए,
नेट के ऊपर हज़ारों की तादाद में एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को सट्टे की आदत डलवा रहे हैं, लेकिन आपको सट्टे की आदत नहीं डलवानी है, आपको लोगों को खाने की आदत डलवानी है, लोगों का पेट भरना है। लोगों का पेट भरेगा तो लोग काम करेंगे और देश आगे बढ़ेगा। इस तरह से आपको फूड ब्रांडिंग करनी है, फूड अपनी बिरयानी का पब्लिसिटी करनी है, मार्केटिंग करनी है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, उनको बुलाकर आप अपनी वीडियोज़ बनवा सकते हैं और उसको इंटरनेट पर वायरल करवा सकते हैं, जिससे कि आपका फूड ब्रांड तेज़ी के साथ फेमस हो, आपकी जो लाड़ी है या दुकान है बहुत तेज़ी के साथ फेमस हो, जिसकी वजह से लोग आपके पास आएं और आपका टेस्ट लेकर खाएं। कितना ही अच्छा आपने खाना बनाया है, कितनी ही अच्छी बिरयानी बनाई है, लेकिन जब तक आप उसको मार्केट नहीं करोगे, आपका जो फूड कार्ड है वो ज़्यादा चलेगा नहीं। इसके लिए अच्छी सी मार्केटिंग कीजिए, अलग अलग तरीके सोचिए किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए और किस तरह से कस्टमर को अचीव कर सकते हैं ताकि वो आपको अच्छा बिजनेस दे सकें, ताकि आप पैसे वाले बन सकें। इसके बाद आती है बात दोस्तों, बिरयानी तो सभी देंगे, लेकिन आप उससे एक्स्ट्रा क्या दोगे? आपको कॉम्प्लीमेंट्री में कोई चीज़ देनी होगी, जैसे कि आप उसको सलाद दे सकते हैं, आप कबाब दे सकते हैं, आप रायता, छाछ या दही या कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ दे सकते हैं जिसकी वजह से जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको ऐसा लगे कि वहाँ तो सिर्फ बिरयानी मिलती है, यहाँ पर एक्स्ट्रा भी कुछ मिलता है, वो भी फ्री। फ्री के आइटम खाना सबको पसंद है। इस तरह से आपको भी कोई ना कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये की फ्री देनी है शुरुआती लेवल पे। जब आप ऐसा करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे और आपके कस्टमर बनेंगे। याद रखिए, बिरयानी तो आप दे ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा भी कुछ दें। बिरयानी का जो रेशियो होता है 50% आपकी मूड़ी होती है, 50% आपका प्रॉफिट होता है, तो जो प्रॉफिट आपका बनेगा उसी में से आपको देना है। शुरुआत में थोड़ा कम कमाएंगे, लेकिन कस्टमर को घर तक लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से बिरयानी बनानी और बिरयानी बेचनी शुरू करी तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका बिजनेस जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगेगा। जब बिजनेस तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगे तो आपकी जो लारी है या फूड कार्ट है उसकी शुरुआत ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों दुकान एक जगह रुक जाती है लेकिन जो फूड कार्ट है वो जगह जगह फैल जाते हैं। जिस तरह से वाड़ी लाल ने आज फूड कार्ट अपने आइसक्रीम को लारियों के ऊपर जगह जगह पहुँचा दिया, इसी तरह से आप एक छोटी छोटी जो पोर्टेबल फूड कार्ट होते हैं उसके ज़रिए आप अपनी बिरयानी को जगह जगह पहुंचा सकते हैं, वो भी कम पैसों के अंदर। एक जगह से आप बिरयानी बनाकर दूसरी जगह भी बिरयानी बेच सकते हैं और अलग अलग लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं। इस तरह से आप बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। याद रखिए, जितनी अच्छी ब्रांडिंग होगी, जितना अच्छा आपका डेकोरेशन होगा, जितना अच्छा आपका आई कैचिंग नेम होगा, उतना ही ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और आपकी बिरयानी भी खाएंगे और दूसरों को भी लेकर आएंगे। बिरयानी बनाइए और ख़ुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और खूब कमाइए।